ये आज कार्यालय पर श्री सोनिया गांधी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आप देख रहे हैं कि मिठाई यहाँ मौजूद है और बच्चों में मिठाई वितरण किया गया है, और यह कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष कर रहे हैं, इस वर्ष भी किया गया है। डॉक्टर साहब, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और एक तरफ से भगवा कलर चमक रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग को सच्चाई पता है। 5 राज्यों में कांग्रेस की बयार बह रही थी, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी थी। वहाँ पर ईवीएम का खेल हो गया, जैसा कि उनके सांसद सुब्रह्म स्वामी ने कहा भी पिछले दिनों, और इसमें कोर्ट में फाइल भी दाखिल हो गया है कि यह चुनाव रद्द किया जाए। 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम का खेल हुआ है, और आपने देखा है कि सुब्रह्म स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि जापान की सरकार ने ईवीएम को बनाया है, और उन्होंने वहाँ कंटेक्ट करके बात किया तो वहाँ से पता चला कि इसमें चिप होता है, उसे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप 8 वोट देते हैं तो 6 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती है या सत्ता पक्ष के लोगों के साथ चली जाती है, और 2 वोट अन्य पार्टियों को मिलता है। इस तरह यह चुनाव धोखे से जीता गया, जिसका कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकल करके अब आंदोलन राहुल गांधी के नेतृत्व में करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने यह कह दिया स्पष्ट रूप से, माननीय अध्यक्ष अजय राय ने चेतावनी दी है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, मगर लोकसभा के चुनाव में हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। कांग्रेस का हर सिपाही यह मांग करता है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे केंद्र में जो लोकसभा 2024 का होने वाला है उसमें बैलेट से चुनाव किया जाए, यह हमारी मांग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के कैंप कार्यालय में आज कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी का 77वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा कई जगह यह कार्यक्रम हुआ। व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर और जिला द्वारा मनु कॉन्वेंट बड़ी पेरी पर हुआ। हमारा यह प्रदेश का कैंप कार्यालय है, कैंप कार्यालय में भी आज कार्यक्रम हुआ, लोगों में मिठाई वितरण किया गया, और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए ये कहा गया कि संघर्ष करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज तैयार है। जिस तरह झूठ की राजनीति चल रही है और कांग्रेस को लोग गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिसका व्यापार प्रकोष्ठ पूरी तौर से निंदा करता है, और यह प्रयास करता है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीटें आएँ और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने।